ये शाम को व्लॉग शूट कर रहे हैं, करना नहीं चाहता था पर मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली को अपडेट कर दूं। कुछ नहीं, काम के रिलेटेड है जी। आज काम की बहुत बुरी हालत है, कोई नहीं करते आगे बात। गाइस गुड इवनिंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो आज शाम के टाइम व्लॉग शूट कर रहे हैं, पहले तो दिन में करना था पर कुछ प्रॉब्लम थी, कर नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो शाम को ही शूट कर लेंगे। तो आज आपसे कोई काम के रिलेटेड तो बात करनी नहीं है मैंने, और ना ही कुछ इन्फॉर्मेशन देनी है, बस थोड़ा आज मन बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसी बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। तो देखो मैं ब्लॉग शूट करता हूँ, अब मैं चाहे काम के रिलेटेड करता हूँ या इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड करता हूँ, और आज कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरा मन बहुत उदास है, मतलब बहुत दुखी है। एक तो काम को रिलेटेड भी और दूसरा घर में भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो इस बारे में आपसे आगे बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आप सबसे प्लीज़ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चैनल पे आ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पर चैनल से सब्सक्राइब करते, सॉरी चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलता है जी, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग, जो भी नया मेरे चैनल पर आ रहा है या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज आपको बताया कि व्लॉग शाम को शूट कर रहे हैं, दिन में करना चाहता था, कर नहीं पाया क्योंकि मूड बहुत ख़राब था। उसका रीज़न ये है जी, एक तो घर से सुबह 8:30 बजे निकले, एक घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है जी, घर वाले बीमार हैं जी। पहले मम्मा ठीक नहीं थे, अब चाची बीमार है हमारे, और अब जो 15 दिन हो गया उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, उनको टाइफाइड वगैरह और अपना क्या कहते हैं थोड़ा दिक्कत आ रही है लीवर वगैरह में। तो डॉक्टर से स्कैन वगैरह कराए हैं, दवाई भी ली है, डॉक्टर कह रहे ठीक तो हो जाएंगे, पर फिर भी अगर घर में, आपको ही पता है, अगर आपके घर में भी अगर कोई पर्सन बीमार हो या किसी के घर में भी हो, तो आपको पता है कि किसी का काम करने का मन नहीं करता है, क्योंकि बार बार दिमाग वहीं जाता है जी कि नहीं हमारे घर में पर्सन कोई बीमार है, पहले वो ठीक हो जाए। अब सुबह काम के लिए भी निकले और ऊपर से अब काम की बात करें तो रोड के ऊपर काम के हालात है, या सुबह 8:30 बजे से काम का निकला हूँ और आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, शाम होने लगी है, 5:30 के आसपास टाइम हो रहा है। और साहब लगाओ सुबह से लेकर अब तक काम की बात करूँगा, आप यकीन नहीं करोगे। देखो भाई साहब, मैं आपको जो बता रहा हूँ अपनी लाइफ के रिलेटेड बता रहा हूँ, जो मेरा एक्चुअल लाइफ में चल रहा है। अगर आपको मेरी बात का अगर नहीं, अगर झूठ लगता है तो आप आ सकते हैं जब मर्जी मेरे साथ, एक दिन बैठिए मेरे साथ, काम करिए, देखिए कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे काम कर रहा हूँ और क्या असली में सिचुएशन है काम की। क्योंकि आज सुबह से 8:30 बजे के निकले हुए हैं और अब शाम के 5:30 हो रहे हैं, सुबह से लेकर अब तक जो काम किया है वो काम किया है सिर्फ 500 रुपये का, जिसमें से गाड़ी में 300 की गैस डलवा दी। अब बताओ 200 रुपये में घर बंदे का गाड़ी की मेंटेनेंस निकालेगा या घर का खर्चा निकालेगा, आप खुद बताओ। और दिन पर दिन काम लुधियाना शहर, पंजाब में लुधियाना शहर के अंदर काम दिन पर दिन बहुत डाउन होता जा रहा है, समझ नहीं आ रही ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये मेरे साथ नहीं है, लुधियाने में जितने भी ऑटो ड्राइवर भाई हैं इस टाइम सब परेशान है, जो लोग गाड़ियां किराए पे लेके जा रहे हैं उनसे किराया नहीं निकल रहा, 10-10 एक एक हफ्ता 10-10 दिन 15-15 दिन का किराया पेंडिंग चल रहा है भाई गाड़ियों का, वो किराया नहीं दे पा रहे, वो कह रहे गाड़ी का किराया दें या हम घर का खर्चा निकालें या गाड़ी में गैस डलवाएं। और जिन लोगों ने किस्तों में गाड़ी ले रखी है उन कईयों की तो ये नौबत आ चुकी है कि भाई लोग बैंक वाले गाड़ियाँ उठा के लेके जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इस टाइम। इतना मंदा कभी नहीं मैंने अपनी लाइफ में देखा जितना आप देख रहा हूँ। एक तो घर में प्रॉब्लम, घर में घर वाले बीमार पड़े हुए हैं, ऊपर रोड पे काम नहीं है, अब जो कमा के लेके जा रहे हैं वो साथ के साथ खर्चा हो जा रहा है। अब अगर जो एक्चुअल में है लुधियाना शहर में इस टाइम ऑटो वालों की बहुत बुरी हालत हो चुकी है, हमारी जो यहाँ की गवर्नमेंट है वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी प्रकार से, कोई सपोर्ट नहीं है जी हम ऑटो ड्राइवर भाइयों को। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इंडिया में कहीं भी अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे लिए गवर्नमेंट यहां पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, ऑटो वालों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है जी, बस जो कुछ भी है हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं लुधियाना शहर में ऑटो वाले। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे लिए भी गवर्नमेंट कोई सुविधा दे, कुछ कोई स्कीम निकाले या कुछ भी एवरीथिंग कोई सुविधा दे ऑटो ड्राइवर को, क्योंकि इतना मंदा चल रहा है भाई हम बताओ कहाँ जाएँ। कोई लोग जो किराए पे ऑटो चला रहा है या कोई अपना क्या कहते हैं गाड़ी नहीं लेके आ रहा है उसकी किस्तें जा रही हैं, और जिनकी गाड़ी फ्री है, चलो मेरी गाड़ी को 5 साल हो गए हैं, मैंने बहुत मुश्किल से गाड़ी फ्री किया, मुझे पता कि मैंने कैसे गाड़ी फ्री है। और जो लोग इस टाइम किस्तों में गाड़ी लेके आ रहे हैं,
चाहे किसी भी प्रकार की है, चाहे ऑटो है या टैक्सी में ले ड्राइवर बड़ी गाड़ी लेके आए, कार लेके आ रहे हैं, आपको भी पता है किस्तों में गाड़ी जो बंदा लेके आ रहा है उसकी इस टाइम क्या हालत है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हम लोगों के लिए भी कुछ पैकेज निकालें, कुछ राहत पैकेज निकालें। हम लोगों को भी, हम भी एक नागरिक हैं इस देश के, हमारे बारे में भी कुछ सोचे गवर्नमेंट। ऐसा कब तक हम लोग भी बर्दाश्त करते रहेंगे भाई? नहीं होता बर्दाश्त यार, हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, दुख होता है। तो प्लीज़ आप मेरी जो भी कोई वीडियो देख रहा है, तो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, आगे लोगों तक पहुँचाइए। मेरा, मैं गवर्नमेंट को ये नहीं कह रहा कि अच्छा बुरा नहीं कह रहा, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट हमारी हेल्प करे जी, हमारे लिए भी कुछ राहत पैकेज निकाले। हमारा इस टाइम बहुत बुरा हाल है, काम इतना मंदा और रखा है ना पंजाब शहर लुधियाना में, मेन पंजाब का जो लुधियाना शहर है, सिटी में मेन सेंटर है, और ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, और एशिया में सबसे ज़्यादा साइकिल लुधियाना शहर में बनती है, और फिर भी इस शहर में इतना मंदा मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। आज कम से कम 2-3 दिन हो गए काम कुछ भी करके नहीं देखा जी। सुबह घर से निकलते हैं, गाड़ी का गैस खर्चा निकालते हैं, 100-150-200 रुपये घर लेके जा रहे हैं। बताओ ऐसे कब तक चलता रहेगा भाई? बहुत परेशान हो गया जी, एक तो बंदा घर से परेशान, ऊपर बंदा काम नहीं है रोड पे, मेंटली परेशान, अब बताओ कैसा चलता रहेगा। इसलिए मेरा वीडियो ये बनाने का मेन मकसद यही था कि आप लोगों से ये अपने जो दुख है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर किसी की भी बर्दाश्त करने की लिमिट होती है। कर रहे हैं जी बर्दाश्त जब तक हो पा रहा है, पर फिर भी क्या करें जी, ऐसे घर का खर्चा कैसे चलाएं बताओ। अब कोई कमेंट में कहेगा सर आपने, आप कमेंट कर देते हैं कई लोग कभी कभी ऐसा कि आपने क्या ऑटो के सिर पे ही कमा रहे हो या आपने कुछ जोड़ के भी रखा होगा। भाई साहब लॉकडाउन की मार से ना अभी तक कोई उभर नहीं पाया, आज तक अभी भी कई लोग बहुत पछता रहे हैं। और एक ऑटो वाला के अगर कुछ जोड़ के मुश्किल से मेहनत करके बचाता भी है ना, अगर घर में कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका तो भी थोड़ा बहुत बचाया होता है, वो सब वहीं लग जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइम लुधियाना शहर में ऑटो वालों की तो हालत बहुत बुरी हो चुकी है भाई साहब। अगर कोई नई गाड़ी लेने की सोच रहा है ना, तो पहले एक्सपीरियंस कर ले, हफ्ता 10 दिन किसी की गाड़ी किराए पे लेके चला ले, ताकि पता लगे कि भाई एक्चुअल में क्या हालत है ऑटो वालों की। मैं ये नहीं कहता कि काम बुरा है या ऑटो चलाना बुरा है, मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा, इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया, हर अच्छे बुरे पल में इस गाड़ी ने मेरा बहुत साथ दिया है, और मैंने बहुत कमाया भी बहुत है। पर अब जो ये लॉकडाउन के बाद और भी काम थोड़ा ठीक रहा, पर अब ये 1.5 साल में काम का इतना बुरा हाल हो चुका है कि अब हिम्मत नहीं बढ़ रही कि कोई और काम करने के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, पर कहाँ से लाएं बताइए। घर का खर्चा पूरा करें या और कोई नया काम खोले, अगर कोई नया काम भी खोलते हैं 6 महीने सब्र करना पड़ेगा जी काम चलाने के लिए। अब आप खुद समझदार ही हैं जी, अगर कोई नया काम या कोई और काम भी देखता हूँ तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, सब्र भी चाहिए, और 6 महीने घर का खर्चा कैसे चलाना है वो भी सब देखना पड़ेगा। तो क्या कर सकते भाई, आज बहुत परेशान हुआ, दिल पूरा भरा हुआ है अभी, मतलब समझ नहीं आ रहा आपसे क्या क्या बातें करूं क्या ना करूं, मेरे को खुद नहीं समझ आ रहा मैं आप लोगों से क्या बोल रहा हूं। पर मैं ये रिक्वेस्ट चाहता हूं, अगर आप मेरी ये सब वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, क्योंकि भाई मैं चाहता हूं गवर्नमेंट हमारे लिए भी कुछ सोचे जी। लुधियाना शहर में रहता हूं मैं, ऑटो ड्राइवर हूं, ऑटो चलाता हूं, गवर्नमेंट हमारे लिए कोई सुविधा कोई राहत पैकेज निकाले। काम इस टाइम बहुत मंदा है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें, घर का खर्चा पूरा हो नहीं रहा। तो आशा करता हूँ अगर जो भाई लोग ड्राइवर है या मेरे जैसा होगा वो समझेगा मेरी बात को, ठीक है ना, वो समझेगा और वो फील भी करेगा। बाकी मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वायरल करें वीडियो को, और आगे लोगों तक पहुँचाएँ हो सके। और अगर मेरी कोई आपको गलत लगी हो या कुछ भी गलत लगा हो तो मैं आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ, पर मैं यही चाहता हूँ कि मैं आज बहुत बहुत परेशान हूँ, बहुत मेरा मन दुखी है। मैं व्लॉग आज बनाना नहीं चाहता था, पर फिर भी मेरे से रहा नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी YouTube फैमिली है मैं उसको नहीं छोड़ सकता भाई। बहुत मुश्किल से मैंने चैनल बनाया, मैंने पहले आज से पहले 3-4-5-6 चैनल बनाए, 2-3 साल लगातार यूट्यूब पर चैनल बनाए और डिलीट किया, मेरा कोई भी चैनल चला नहीं। ये मेरा 5वां चैनल है जो अब बढ़िया चल रहा है, बहुत जो मेरे YouTube चैनल पर जुड़े हैं उन मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं बहुत लोग, और बहुत लोग पसंद भी कर रहे हैं। पर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा चैनल और आगे ग्रो करे, और वो ग्रो हो सकता है आपकी वजह से ही,
तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं या जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आ रहा है या नया आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट यही है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी बात कोई आपको गलत लगी हो या कुछ भी बुरी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कुछ भी गलत लगाओ, मैं किसी को गलत नहीं बोलना चाहता और ना ही किसी को ठेस्ट पहुँचाना चाहता था। मेरे दिल में जो आज दुख था वो मैंने आपके साथ जाहिर किया है। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ गए होंगे मैं क्यों दुखी हूँ, क्योंकि भाई हर किसी की बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। तो आई होप, अब इससे ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं क्या कहूँ। सुबह से बहुत परेशान हूँ, घर से लेकर और ऊपर से काम नहीं है, तो आप प्लीज़ समझ सकते हैं सर, सभी लोग समझ सकते हैं, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है या देखेगा, जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आएगा, तो आप सब समझ सकते हैं। तो आशा इस व्लॉग को यहीं करते एंड। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और मैं आप सभी के लिए दुआ करता हूँ, आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खिलखिलाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं किसी नए व्लॉग में।